हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रूफ करके दिखाएंगे कि 2+2 5 होता है। तो बच्चों, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम इसको 0 = 0 लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। और दोस्तों, इस वाले 0 को हम 8 - 8 लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस वाले 0 को हम 10 - 10 लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, हम 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 ही आएगा, और 10 में से 10 को हम घटाएंगे तो 0 ही आएगा। और दोस्तों, हम इस वाले 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, 4 × 2 = 8 होता है। उसके बाद दोस्तों, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों, क्या है 8, दोस्तों इसको भी हम उसी तरीके से लिख देंगे। 4 × 2 लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 4 × 2 = 8 ही होता है। उसके बाद दोस्तों, इस वाले 10 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 2, यानी कि दोस्तों हम 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। और बच्चों, हम उसी तरीके से इस वाले 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 5 × 2 = 10 ही होता है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद इसमें से हम कॉमन लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारा 4 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। दोस्तों, हम यहाँ पर 4 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, 4। दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, 2। दोस्तों 4 से 2 नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। उसके बाद है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा। उसके बाद क्या है, 2। दोस्तों 4 से 2 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर दे देंगे हम 2। उसके बाद दे देंगे एक ब्रैकेट। उसके बाद दोस्तों, उसी तरीके से हम इक्वल का चिन्ह देंगे। उसके बाद दोस्तों, इसमें से हम कॉमन लेंगे। दोस्तों यहाँ पर 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। दोस्तों, हम यहाँ पर 5 को कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद क्या है, 2। दोस्तों 5 से 2 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। उसके बाद है माइनस का चिन्ह, दोस्तों यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह दे देंगे। और दोस्तों, यहाँ पर इसमें भी 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ पर 5 से 2 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम दे देंगे 2। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। और बच्चों, ये वाले कट जाएंगे। और बच्चों, लास्ट में हमारा क्या बच गया, 4 = 5। दोस्तों, इस वाले 4 को हम ऐसे मान सकते हैं 2+2, क्योंकि दोस्तों 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। और दोस्तों, इक्वल में हम 5 को लिख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया, यानी कि इसको प्रूफ कर दिया कि 2+2 5 होता है। और बच्चों, आप कमेंट में बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, जो हमारा सेकेंड पार्ट आने वाला होगा, वो सबसे पहले आप तक ही आएगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।